हाय माँ, गुड मॉर्निंग। बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, क्या हुआ? आज सुबह तू जल्दी जो उठ गया? मेरे जल्दी उठने से शौक लग गया। अरे जो मैं करने वाला हूँ ना, उससे तो हिल जाओगी। ए हीरो, एग्जाम 11 बजे है, 9 बजे क्या करने आ गए? घर में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था इसलिए आ गया। हे भोलेनाथ, जो भी पढ़ा है वो एग्जाम में आ जाए। अरे काय को ऊपर वाले के नसे फाड़ रहा है तू? 9 सब्जेक्ट में फेल हो चुका है, आज 10 का राउंड फिगर बना ले फिर पार्टी करेंगे। बनना है तो मेरी तरह बन। मैंने कल नाश्ते से लेकर डिनर तक के टाइम में सारा थर्मोडायनामिक्स सिर्फ पढ़ा नहीं, पूरा रट लिया है। ए, थर्मोडायनामिक्स लास्ट ईयर के कोर्स में था, आज हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम है। पूरे साल बुक को हाथ भी नहीं लगाते, एग्जाम से पहले पढ़ के क्या पास हो जाओगे? चलो अंदर आ जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टाइम बहुत कम है, जल्दी क्वेश्चन पेपर दीजिए ना। आज ही इतना जल्दी में क्यों है? क्लास में तो कभी टाइम पर नहीं आया। घंटे बज गए। हे, लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, मैं बुक चाट रहा था और तू खट्टी इमली चाट रहा था, जबकि तू प्रेग्नेंट भी नहीं था। चल अंदर चलते। जय गणेशा करना पास, हमेशा जय गणेशा करना पास। छोड़ो बेकार की फॉर्मेलिटी, कौन करेगा? तुम एग्जाम नहीं देना? अपना असूल क्लियर है, एग्जाम देकर पेपर वेस्ट नहीं करने का। आप ही तो हमेशा कहती थी ना, सेव प्लांट सेव पेपर सेव नेचर। आपकी बात पर अमल कर रहा हूँ। As a responsible citizen of this planet, I'm quitting this exam. बेवकूफ। Supplement? हाँ? Supplement, madam. Supplement. कुछ आता भी है या आंसर शीट्स पे सिर्फ क्वेश्चन लिखकर इंप्रेशन झाड़ रहे हो? बाद में। ये हो गया फ्यूचर ब्राइट। मैडम इतनी जल्दी एग्जाम हो गया? हो गया मैडम। गुड, अब बैठ जाओ। अर्जेंटली कहीं जाना है। अभी भी 40 मिनट बाकी हैं, जाकर बैठ जाओ। मैडम शादी के लिए जाना है। शादी मिस हो तो रिसेप्शन पे चले जाना। मैंने गया तो शादी नहीं होगी मैडम। क्यों? क्योंकि उस शादी का दूल्हा मैं ही। सप्लीमेंट को गांठ मारते ही डाउट हो गया था। मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था। आप तो मेरी बड़ी बहन की तरह हैं मैडम, प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम जाओ, चलो जाओ। ऑल द बेस्ट गाइस, आज शाम 7 बजे सागर पैलेस में शादी की पार्टी है, पहुंच जाना सब लोग। मैडम आप भी आना अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ए मैडम पाई लगा। अब तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी भी शादी है? शादी उसकी है, मैं तो बस बराती बन के जा रहा हूँ। तो तुम्हें क्यों आशीर्वाद चाहिए? वो क्या है ना, वो जो करते हैं मैं भी वही करता हूँ, कल को मेरी भी शादी होगी ना। जाओ। थैंक यू मैडम। और किसी को शादी में जाना है क्या? सुपर सुपर दंगल फिल्म वाकई बहुत अच्छी है। अगली बार बालकनी में देखेंगे, ठीक है? अगली बार सलमान की। हाँ लेकिन ट्यूबलाइट अच्छी होगी तभी देखेंगे, वरना नहीं। नहीं नहीं शादी हुई है? हाँ पिछले महीने। मेरी भी हो जाएगी 1 घंटे बाद। भाई बात सुन, 1 घंटा बचा है, शादी का ख्याल दिमाग से निकाल दो। अरे चल चल निकल। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अरे सुनो यहाँ आओ। मैं आ जाओ। नमस्ते सर। ये शादी होने के बाद अगली शादी तुम्हारी है, रेडी रहना। ओके सर। थैंक यू सर। खाओगे? नहीं नहीं। कौन है ये? मेरा फ्रेंड है। शुभ कार्य में गाय को कुछ खिलाना अच्छा होता है, भैंस को नहीं। देश में भुखमरी तेरी वजह से आएगी। वैसे अपनी दुल्हन का नाम तो बता। आयशा। आयशा, तेरी वो आयशा मलेशिया से आ रही है क्या? आ रही होगी। शादी लंच टाइम तक हो जाएगी कि तुम लोगों ने मेरे खाने पीने का इंतजाम किया है? ओए आयशा आ गई है। थैंक्स बेटा। वेलकम। बेटा जरा
घंटी बज रही है पर वो फोन उठा नहीं रही है। अरे यार ड्राइव कर रही होगी, तू चिल मार, चला जा चाय पीते चल। ए, हार कहाँ पे? अरे यार अंदर ही भूल गया। अरे मौसी मेरे हार हैं। तुम्हारे हार का मैं क्या करूंगी, 50 साल पहले मेरी शादी में सुबु ने भी यही हार पहनाए थे। ओ, शादी का नाम सुन के शर्मा गया। ऐसा ही समझ लो, मैं चलता हूँ। सुनना दिल में कुछ बात है, तू गाली नहीं देगा तो बोलूं? चल बक। ये बेचारा आशिक अपनी आशिकी का इंतजार कर रहा है पर मुझे नहीं लगता है वो आएगी। मनुष कहीं क्या? बधाई हो। थैंक यू सर। सुनो तुम्हारी दुल्हन आई? बस आने वाली होगी। अभी तक नहीं आई है, तुम्हारे लिए और कितना रुकना पड़ेगा यार। बारिश नहीं हो रही है फिर भी अपने छाता पकड़ा है। सर 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 थोड़ी देर और क्या बात है? मेरे दोस्त की दुल्हन बोल रहा हूँ ना, शादी नहीं हो पाएगी। समझो भाई, सही कहा ना? आप जाइए सर, प्लीज मेरी बात सुनिए सर, उसके बारे में मैं संभाल लूंगा सर। रोमांस के लिए लड़की अवेलेबल होती है, जैसे ही शादी की बात की वो भाग जाएगी फोन की तरह, नॉट रीचेबल। फिर क्या करोगे? आज के लड़के बेचारे बहुत सीधे होते हैं, लड़की को मना मना के टाइम वेस्ट करते हैं बस। जरा सोचो, लड़की जब अपने माँ बाप की ही नहीं हुई तो तुम्हारे दोस्त की क्या खाक होगी? सुनो बेटा, जाके अपने दोस्त को संभालो, लड़की के चक्कर में कहीं पागल ना हो जाए। सर ए अर्जुन, ए सुनना, तू हिम्मत मत हार यार, सब ठीक हो जाएगा। यही रुक, मैं बाइक लेकर आता हूँ। सुनो तुम लोग टेंशन मत लो, मैं प्यार में हारा हूँ, जिंदगी में नहीं हारा। आप अंदर जा सकते हैं। मेरा अपॉइंटमेंट 9 बजे का था। सर, इनका मिलना थोड़ा अर्जेंट है, आपको वेट करना होगा। वेट करूं? 4 साल पहले भी किसी ने वेट करवाया था, तब से लेकर आज तक मुझे वेट करने से नफरत है। I hate waiting। वेट ही करना होता तो मैं पहले से अपॉइंटमेंट क्यों लेता? मुझे पागल समझा है? पहले मैं जाऊंगा। Excuse me, doctor. बोलो, एक और हथेला आ गया। Hi, I'm Arjun. बिन बोले समझ गया प्रॉब्लम तुम्हारी। सॉफ्टवेयर जॉब, पर्स में तो कोई कमी नहीं है, आंखों में तो नींद भरी है, पर सोने का टाइम नहीं है, प्यार करने के लिए कोई लड़की नहीं मिलती, मिलती है तो शादी के लिए छुट्टी नहीं मिलती, फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट फुल है पर दोस्तों से बात करने का टाइम नहीं है, भीड़ में अकेले रहने का मन करता है। Am I right? Wrong. मैं पेशेंट नहीं हूँ। तो फिर पेशेंट किशोर है, मेरे बेस्ट फ्रेंड का भाई। ये तो मुझसे ज्यादा किसके लिए है?
लग गए खेतों में आम। क्या बंटा है, कहाँ जा रहा है? बात मान यार, मैं पागल नहीं हूँ। तुमको पता मैं पागल नहीं हूँ। घूर क्या रहा है, क्या तू पागल है? मुझे अपने से कंपेयर मत कर हटेले। क्या बात है, तू भी पागल नहीं है, मैं भी पागल नहीं हूँ, फिर भी हम पागल खाने में। वापस दे दो ग्लास काई को। मेरे और मेरे लिए। बचपन में इसके माँ बाप गुजर गए और हाल ही में इसका भाई भी मर गया। कैसे मरा? बाहर अमेरिका में। ओहो, तब सही है बेचारा। आगे मैं बताता हूँ, प्लीज मेरी पूरी बात सुनिए। अबे भटकते नैन, याद है? लड़की का नाम बता। वाह वाह वाह, एकदम सॉलिड सर, बोले तो पॉइंट टू पॉइंट। अब बता लड़की का नाम क्या है? मुमताज। करीना की कमर है, दीपिका जैसे उसके गाल, प्रियंका जैसी स्माइल, आलिया भट्ट जैसा कलर। कंप्लीट पैकेज है। बिल्कुल। ओए सिस्टर। सॉरी ब्रदर। इट्स ओके। हम एक ही ऑफिस में काम करते थे, आमने सामने बैठते थे, तुम तो कभी ऑफिस गए नहीं होंगे, एक दूसरे को देखते थे। पता है हम दोनों में कितनी जमती थी? नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। समझ गया, बासुंडी स्टोरी है। प्रॉब्लम क्या है? उसको आई लव यू बोला? उसी के लिए मैंने उसे डिनर के लिए पूछा। एक्सक्यूज मी, विल यू कम आउट फॉर लंच कम डिनर? श्योर अंकल। इसकी तो सॉरी। लड़की ने सिर्फ अंकल कहा तो ऐसी हालत बना। बराबर बोले सर, वो क्या है ना, एक दो लड़की बोलती तो बात अलग थी। इसको तो कितनी सारी लड़की लोग ने अंकल बोले ला है, दो ने तो भैया भी बोले ला है। एक ने क्या बोला मालूम है? क्या बोला? अपना थोबड़ा आईने में देख। तब से दारू पी के टल्ली होने लगा, ऑफिस से भी निकाल दिया, बार में पड़ा रहता है, ड्रग्स भी लेता है, फोन कॉल्स नहीं उठाता, घर का दरवाजा भी नहीं खोलता है, गॉन केस हो चुका है। अंदर इतना अंधेरा क्यों है? बाहर तो लाइट है। ए लाइट ऑन कर। नहीं नहीं भाई, लाइट ऑन मत करना प्लीज। क्या हुआ तुझे? धीरे बोल वरना वो जाग जाएगा। घर में और कौन है? अंदर वाला। अबे अंदर तो कोई नहीं है। अरे बेवकूफ, वो इस कमरे के अंदर नहीं है, वो मेरे अंदर है। अंदर वो खर्राटे ले रहा है, बाहर मैं पहरा दे रहा हूँ। कभी कभी उसके बोलने की आवाज सुनाई देती है। क्या बोल रहा है? उसको ये लाइफ पसंद नहीं आती है, उसका टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। अगरबत्ती चलाने को बोलता है और खुद पर लगाने के लिए कहता है, खंजर गले पे चलाने को बोलता है। ऐसा वो खुद ही बोलता है क्या? हाँ खुद ही बोलता है। पता नहीं वो मेरे अंदर कब घुसा, अंदर वाला बाहर वाले पे हावी है। ये तो जीते जी नरक में रहने जैसा है। अच्छा, पर तुझे ये पता कैसे चला कि वो तेरे अंदर गया? बराबर। अबे आदमी है या क्वेश्चन पेपर? वो देख फ्लैशबैक। बच्चा संभल के, अंदर जो है जीने नहीं देगा। घर के अंदर? अंदर कोई नहीं है, जाओ। घर के अंदर नहीं, तेरे शरीर के अंदर। मेरे अंदर? कौन? तुझे जब जब उसकी आवाज सुनाई देगी तेरा शरीर कांप उठेगा, तेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि तेरे अंदर कोई है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छय। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छय। इसका मतलब अभी तक सिंगल हो? किसी भी झोला छाप की बात मान लोगे? क्यों, ये भी तुम्हारी बात मानते हैं ना? है? मैं भी झोला छाप लगता हूँ क्या? लगना क्या है, तुम तो सर्टिफाइड झोला छाप हो पागल। ये तुम बोल रहे हो या वो अंदर वाला? मैं और मैं दोनों। आवाज किसकी है? आवाज हम दोनों की है। तुमने कहा तुम बोल रहे हो? वही तो वो बोल रहा है। वो कौन है? दूसरा वाला जो मेरे अंदर रहता है। इसका मतलब वो तुम बोल रहे हो? एक गेस, मानो ना मानो तुम मेरे मेहमान हो। फोन पे इंक्वायरी करके तुझे मेरा एड्रेस मिला था कि हटेले? अबे हटेला तू नहीं, मैं हूँ मैं। ओम हटेलाय नमः, ओम हटेलाय नमः। ये फैन का क्या चक्कर? पोर्टेबल रिचार्जेबल, अंदर वाले के लिए। उस बेचारे का भी तो दम घुटता होगा ना। सुन हटेले, अंदर वाले को अंदर रहने दे। हाँ। और अपने तू दो पैर पकड़ के यहाँ से बाहर दफा। श्योर, विद प्लेजर। मेरा पंखा। इतनी छोटी बीमारी का इलाज नहीं कर पाते, डॉक्टर हो या गधे हो। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं। बड़ा आया मुझे ठीक करने वाला, थोबड़े से तो खुद ही मेंटल लगता है, पागल कहीं का। अरे मैंने तो यही कहा था ना। बात रिपीट क्यों करते हो? ये ठीक तो हो जाएगा ना? ये हटेलों से ज्यादा हटेला है, इसके अंदर एक नहीं कई सारे चैनल हैं। कालिए इसे हमेशा म्यूट पे रखना। तुझे वहां जाना चाहिए बच्चा,
केरला के महिषासुर मंदिर जा। जा, जा, महिषासुर मंदिर जा। यहाँ तेरा कुछ नहीं होगा। चल, 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 जा, जा, जा केरला के महिषासुर मंदिर। तुझे मंदिर में ही सारे जवाब मिलेंगे। अबे किधर जा रहा है? ले 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 ले, मेरा फैन गिर गया। केरला जाना है मुझे, केरला। अर्जुन सुनो, अर्जुन भैया दवा मत खरीदना, पैसे वापस ले लो। भैया यहाँ मेरा कुछ नहीं होगा, केरला, केरला में महिषासुर मंदिर में मेरा इलाज होगा। महिषासुर मंदिर? हाँ, ये देखो इसमें देख लिया ना। सॉरी, ये अंदर वाला एकदम नॉटी है। ये देखो, मैंने गूगल पे सर्च किया था, केरला की गुफाओं में प्राचीन मंदिर है, वहाँ आत्माओं को मुक्ति दी जाती है। सस्ता और टिकाऊ और 100% गारंटीड इलाज और लाइफ लॉन्ग वारंटी भी। तेरे को ये कौन बताया? अरे वो स्वामी जी ने बताया। स्वामी ने? हाँ। किधर है? पागल समझ के उसको वार्ड बॉय साथ ले गए। ये चल इसकी दवाई ले। ए! ए! अगर मैं महिषासुर मंदिर में नहीं गई तो मैं खड़े खड़े ब्लेड से अपना गला काट लूंगी। भैया अंदर वाला बाहर आया था क्या? आकर डायलॉग मार के गया। मंदिर का नाम लेते ही मैं अंदर से कांपने लगा था। आई कुड फील इट। चलो भैया हम केरला चलते, कल की ट्रेन। ना तो तेरी कोई खूबसूरत बहन है, ना तू हमारा रिश्तेदार है, दोस्त का भाई है, इसीलिए झेल रहे हैं। डॉक्टर ने दवा लिख के दी है, वो खरीद रहा हूँ। खाना तो खानी तो भाग्य से। मैं तो महिषासुर मंदिर जा रहा हूँ। जा रहे कैसे जाएगा? कल 12 बजे की ट्रेन है, तू आएगा? मैं नहीं आऊंगा। तू पक्का आएगा? मैं अच्छे से जानता हूँ। नहीं आऊंगा, बोला ना। एक्सक्यूज मी, ये मेरे भाई की सीट है। आ जाएगा तो उठ जाऊंगा, तुम्हारी सीट खा नहीं जाऊंगा। तो अभी उठ जाओ ना, प्लीज। उठो ना, उठो ना, प्लीज, प्लीज। ओहो सर, ये अंदर वाले की सीट है। ओ, तो बाथरूम गया है? नहीं सर, मेरे अंदर है। प्लीज उठो ना, प्लीज, प्लीज उठो ना। गंदी हो गई, निकल ले यहाँ से, इसका पेच ढीला लगता है। टिकट दिखाइए। एक मिनट सर, ये लो सर। एक सीट आपकी और दूसरी? अभी बाहर है सर, थोड़ी देर में आ जाएगा। और तीसरी? वो अंदर है पर बाहर आ जाएगा। महिषासुर मंदिर जा रहे हो ना? एग्जैक्टली, सही पकड़े हैं सर। ये लो। चल बेटा, ये तो पागल है। बाय। भैया, मेरा दिल जानता था कि तुम जरूर आओगे भैया। चिपक मत, तेरे लिए नहीं आया हूँ, फ्रेंड के लिए आया हूँ। तेरा वहाँ पे कुछ नहीं होगा इसकी मैं गारंटी देता हूँ। हाँ। इसलिए वापस आते ही तुझे मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ही होगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छाय। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, तू वही जा रहा है ना? हाँ, वही स्वामी जी। जा, तेरी समस्याओं का वही हल होगा, पर नई समस्या गले पड़ जाएगी। नई समस्या मेरे लिए स्वामी जी? समस्या तेरे लिए नहीं, तेरे दोस्त के लिए। तू चैन खींच, अभी इसका डमरू फोड़ दो। उसको बाद में देख लेंगे यार, बाय बाय। बैठोगे? अरे चल अंदर चल। आजा, क्या सफर है ना भैया, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। तू टेढ़ा हो रहा है। Thank you.
तो लोचा है। लोचा है तभी तो यहाँ आए हैं। बिना लोचे के यहाँ कोई नहीं आता। ये भी पागल है। जरूर यहाँ पे कोई ज्ञान की बात लिखी होगी। तेरू? अब मलयालम? ये बदल कैसे गया? इसको लेके जाओ, चलो। नमस्ते स्वामी जी। महाकालेश्वर त्र्यंबकेश्वर, थैंक यू स्वामी जी। इसके पाप कर्म इसके पुण्य पर भारी है। 3 दिन यहीं रहना होगा। क्या 3 दिन? इतना टाइम नहीं है। 3 दिन ही तो बोला ना, 3 महीने थोड़ी। रह लेंगे। चिकित्सा के 4 अभिन्न अंग हैं। सुख भोगना, शिक्षा प्राप्ति, गति सुधारना, शरीर शुद्धि। बाबा कोई शॉर्टकट नहीं है क्या, जैसे तावीज, काला जादू, नींबू? सब बेकार। नदी समुद्र तक पहुँचने में अगर शॉर्टकट ले लें तो भयंकर बाढ़ आती है, तबाही छा जाती है। इसीलिए कह रहा हूँ पूरे 3 दिन रहना ही होगा। ठीक है, इलाज कब शुरू होगा? अभी से शुरू हो चुका। किस चक्कर में फंसा डाला इसने, अब 3 दिन तक रहूंगा कहाँ? नया बकरा हलाल होने आ गया है। हेलो, मैं आता हूँ। राम, घंटा राम, मैं इस इलाके का लोकल गूगल हूँ। आपको रूम चाहिए ना? अबे शकल देखिए, झोपड़े की तो औकात नहीं, रूम देगा। हेलो हेलो हेलो, मुझे तुमने ब्रोकर समझा है क्या? मैं शहर का हूँ, टेक्नोलॉजी का बादशाह, सब कुछ ऑनलाइन है। घूमोफिरो.com, खाओपियो.net, ऐप की जरूरत है? आपकी नहीं। इस एरिया का ऐप तो मैं ही हूँ। बकरा आया भाई साहब। नहीं नहीं सर, मेरी क्या जरूरत है, आपके पास तो ऐप्स है। फोन में ऐप्स तो है लेकिन सिग्नल नहीं है। सिग्नल के लिए भी ऐप डाउनलोड कर लो ना। घंटा भाई। हाँ? रूम कौन सा ब्रांड है? रोलेक्स। सच्ची मुच्ची? अरे मैंने तो सोच लिया था मेरी कलाई पे ब्रांडेड घड़ी ही होगी। अच्छा, मेरे गले में जो घंटी है ना, ये भी ब्रांडेड है। क्या बात है, आते ही तितली ढूंढ ली, सही कहा ना? तितली अब तक देखी कहाँ है? शहर की तितली बिजी है, नजारे का मजा ले रही है। डिस्टर्ब करोगे तो फर्र से उड़ जाएगी। थोड़ा वेट करो, शायद मुड़ जाए। आई हेट वेटिंग, मैं भी शहर से हूँ, सब स्पीड में करता हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, थैंक्स। हेलो, ये क्या है, मुझे हेलो करके बाय कह रहे हो? मुझे वेट करना पसंद नहीं है। हाँ, वेट करना? खिड़की से दोपहर नजर पड़ी तो पीठ दिखाई दी, चेहरा नजर नहीं आया। और चेहरा नहीं देखता तो उत्सुकता से मेरा बीपी हाई हो जाता। अब चेहरा देख लिया तो मेरी तबीयत भी ठीक, और देखो तुम्हारा भी कुछ नहीं गया। अब समझ गए ना? हाँ, थैंक यू, बाय। अजीब कैरेक्टर है। कुछ गलत बोला? इस बारे में घंटाराम को कोई एक्सपीरियंस नहीं। ये क्या, दिल के मानता नहीं, फिर से फुल वॉल्यूम में धक धक कर रहा है। सर, ये आपका दिल धक धक नहीं कर रहा, दरवाजे पे कोई है। कौन है? तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। ओए प्यारे घंटाराम। बोलिए मैडम। पार्टी को रूम दे दिया? हाँ, दे दिया। तो फिर निकल यहाँ से। ठीक है, जाता हूँ। सुन, बोलिए। अगर मेरी दादी ने मेरे बारे में पूछा तो बोल दूंगा आप यहाँ हैं। अगर ये बोला तो मैं तेरी घंटी बजा दूंगी। दादी से झूठ बोलना पाप है। ये पकड़ ले तुम्हें। डीओ के लिए थोड़ा बहुत झूठ तो बोल ही सकता हूँ। उसका दिल मैडम को देख के धड़का, पर मैडम का क्या, मुझे तो डीओ मिल गया ना, मुझे क्या करना। चलो बताओ। मैं क्या बताऊँ?
तुमने मुझे आवाज दी और आवाज देकर चले गए, मेरी तारीफ नहीं करोगे? मैं क्या कहूँ? बोल ना यार। यार? बोल बे। बे? यार बेटर है। वो मैं ऐसे सीधे सीधे कैसे बोल दूँ? क्या बात कर रहा है यार शोना? फ्रेंड्स के साथ तो डिस्कस करता होगा ना, ये लड़की मस्त है, इसके बाल अच्छे हैं, तो मुझे भी अपनी फ्रेंड समझ लो ना। तो बताओ मेरी आंखें कैसी है, मस्त है ना? She is very beautiful like चल, a flower. चल चल फेंक मत। शोना, लड़की मामूली नहीं, कमाल की है। आंखें ऐसी कि उनमें डूबने का मन करता है, होंठ ऐसे कि दबाओ तो शहद की बरसात होने लगे, और गर्दन वाह वाह। बॉडी के हर हिस्से की तारीफ कर रहे हो लेकिन फिगर की तारीफ नहीं कर रहे। रापचिक, कयामत ढाने वाला। कयामत? क्या? ज्यादा डायलॉग बाजी मत करो शोना, जो बोलना है सीधा सीधा बोलो, बकवास की बातें बंद कर, दिल पे मत ले और सीधा सीधा यहाँ से निकल ले, समझा ना? चल। ये रूम मेरा है। तो पंच मार रहा है क्या? मुझे मालूम है ये तेरा कमरा है, मैं तो बस तुझे चेक कर रही थी। मैं पलट के नहीं देखूंगी। इसको कैसे पता चला? शाहरुख की फिल्म नहीं देखती? अरे रामू, तूने मेरी पोती को देखा क्या? नहीं माँ जी। ये दादी तो मुझे कहीं जाने नहीं देती, पता नहीं कहाँ घूमती रहती है। दादी। हाँ? वहाँ क्या देख रहे हो, मैं तो इधर हूँ। अरे ये क्या, मैं अंदर देख के आई हूँ, वहाँ तो तू नहीं थी। बुढ़ापे में लगता है आपकी आँखें कमजोर हो गई हैं। चलो। मेरी आंखें तो बाज जैसी है बेटा, पर तेरे इरादे कुछ खतरनाक हैं। पगली कहीं की। मोगरे के फूल। लेटने के लिए बिस्तर। क्या इंतजाम है, पहले मुझे टेस्टी खाना खिलाया, अब प्यार से सुनाएंगी। अपनी शर्ट उतारी। अरे ऐसा मत बोलो, बॉडी में अनलिमिटेड गुदगुदी होती है। चलो नॉटी कहीं की। शर्ट उतारी है ना। ओके, क्या ट्रीटमेंट है, वाओ, उतारता हूँ। ओके, शर्म आती है, बहुत ठंड लग रही है। पैंट भी उतारिए। हे, दिमाग से पैदल हो क्या? अरे ये पैंट नहीं, शॉर्ट्स हैं। पैंट उतारिए ना। ओह, देखो मैं बहुत ही शरीफ घर का लड़का हूँ, और मैंने कसम ली थी कि शादी के पहले मैं कुछ नहीं करूँगा। पैंट उतारो। ओहो, ठीक है ओके, पर ये बात किसी को बताना नहीं है। ओके, एंड दरवाजे पर नजर रखना, कोई आ ना जाए। सो जाइए। 1, 3, 4, 5, 5 at a time. ओए, क्या कर रही हो बेबी? You are so wild. I am feeling in heaven. शुभ रात्रि। Hey. इतनी जल्दी शुभ रात्रि? कोई और आने वाली है क्या? अरे सुनो ना, ओ मोगरा भाई। अरे आओ तो। हेलो भैया, सुनो ना, जरा उन लड़कियों को बुला कर लाओ ना, बहुत ही नॉटी है। ये क्या है भैया, प्यार से पहले प्रार्थना, कैसा रिवाज है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कपड़े उतारने को उन्होंने ही कहा था, मैंने उनको टच भी नहीं किया, बस उनका मोगरा सूंघा इस तरह से। बचाओ! हमें कच्चा खाना खिलाएगा? कच्चा खाओ, सेहत बनेगा। हाँ? अब कच्चा खाए या जिंदा? ये आइटम तो मेनू में नहीं था। सोना पकड़ो पकड़ो। हाँ? सोना, सोना फिर से कोई लफड़ा करेगी। सोना पकड़ो उस मुर्गे को। मैं मुर्गा पकड़ू? इतने प्यार से बोल रही तो पकड़ लो ना सर, आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। चाहे जो करना है करो, मुझे बस वो मुर्गा चाहिए। आई लव इट, गॉट इट? मुर्गा ही तो है, अभी पकड़ लूंगा। मुर्गा ला के दे, तेरे को एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। ब्रांडेड? ब्रांड का बाप। प्रॉमिस? प्रॉमिस। एक्सक्यूज मी आंटी। क्या है? आप जहाँ बैठी हैं वो सीट मैंने खरीद रखी है। प्लीज आप यहाँ से गेट आउट हो जाइए। बचाओ! आपकी मदद के चक्कर में दर्द ले आया, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, अब मुझे मेरा ब्रांडेड सरप्राइज गिफ्ट दे दो। हा?
ना मलहम स्याहा तक। लेकिन ये तो चीटिंग है ना। पर ब्रांड तो ये भी है ना। शोना मुर्गे को पकड़ा या नहीं? घंटा मेरे भाई हा? मुझे वो मुर्गा चाहिए। लाके दिया तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रांड दूंगा। ब्रांड की बात करके मेरा ईमान खरीद लेता है। ब्रांड के लिए एक मुर्गा नहीं पकड़ सकते? यू आर वेरी टैलेंटेड, तुम उसे पकड़ सकते हो। थैंक यू भाई। भाई भाई मेरा वो सरप्राइज एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट, वो ब्रांडेड। चलो टाइड। चौक गए ना, धोखा दिया ना। ये लो तुम्हारा मुर्गा। थैंक्स। मुर्गा एकदम मस्त है ना। ऐसे मुर्गे पर बैटिंग करके इसको दूसरे मुर्गों से लड़ाया जाता है। पैर एकदम भारी है ना। हाँ पंख देखो, मैं तो इस पर दिल हारी। वाह 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 वा, क्या मुर्गा है। ये तुम्हारा पेट है, तुम्हारे साथ रहता है। क्या सोना कुछ भी बोलते हो, गांव का चिकन सूप कभी नहीं पिया, पेट भरता है मन नहीं। ये जंगल में पला बड़ा एक ऑर्गेनिक मुर्गा है। लेग्स तंदूरी और बॉडी का सूप, गर्मा गर्म राइस, प्याज और नींबू निचोड़ के खाओ और बस उंगलियां चाटते रह जाओगे। वाह 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 वाह, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। और तुमने तो कहा था आई लव इट। आई लव चिकन। सोना बस एक घंटा वेट करो, मैं ऐसी चिकन करी खिलाऊंगी ना कि मजा आ जाएगा। वेट करूं वो भी खाने के लिए? भूल जाओ। घंटा भाई फूड फास्ट फास्ट फूड। हाँ हाँ अभी लाया। ओके तुम आ गई। क्यों क्या हुआ जाना, तुम्हें तो वेट करने से नफरत है ना। दिल पे मत लो। ओके लेट मी गेस, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारा कोई क्यूट सा पपी होगा जो तुम्हें छोड़कर भाग गया था। हाँ और तुमने घंटों उसका वेट किया और तब से तुम्हें वेट करने से नफरत हो गई। Am I right? दिल पे मत लो, बोला ना। हाँ गलत था एकदम। हाँ टीनेज में तुमने अपने पापा से बाइक मांगी होगी और तुम वेट कर करके थक गए होगे और तंग आ गए होगे, इसलिए तुम्हें वेटिंग से नफरत है कि नहीं? रॉन्ग। हाँ ये भी रॉन्ग है। पप्पी नहीं है, बाइक नहीं है, तो फिर क्या वजह होगी? हाँ तुमने जब अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने को कहा होगा तो वो तुमसे शादी करने को तैयार हो गई होगी। तुमने पागलों की तरह हार और सिंदूर के साथ उसका वेट किया पर वो आई ही नहीं है ना। बंद करो अपनी बकवास। I'm sorry. इसका मतलब एकदम करेक्ट था। ये तो प्रूव हो गया कि तुम्हारा लव एकदम स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ लाइफ लॉन्ग है। दीदी थैंक्स। दीदी आपने मेरे पापा को पैसे दिए और उन्होंने इस मुर्गे को कटने के लिए नहीं बेचा। बाय दीदी। बाय। मुर्गा करी के लिए नहीं था। हाय आई एम कमला, प्योर वेजिटेरियन फ्रॉम विजयवाड़ा। मैं अर्जुन, मांस मच्छी खाने वाला फ्रॉम हैदराबाद। अपने फ्रेंड के भाई की वजह से यहाँ पर फंस गया हूँ। वैसे मुझे इन सब चीजों में विश्वास नहीं है। मुझे भी नहीं है पर बहन के चक्कर में यहाँ आना पड़ा। मेरे पापा कॉन्वेंट हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं और वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो कभी मुझे अकेले नहीं जाने देते। यहाँ पर भी आई हूँ तो दादी को साथ साथ भेज दिया। कौन जाने लाइफ कब एंड हो जाए। घूमे फिरे बिना अगर ऊपर चले गए तो जीने का क्या फायदा बताओ। अरे सीधा सीधा बोलो ना, लाइफ एंजॉय करनी है, मरने की बातें क्यों कर रही हो। ठीक है तो फिर कल ट्रैकिंग पर चले, मॉर्निंग 7 o'clock। ओके ओके। Thank you.
तैयार क्यों नहीं हुई? क्या करूं? दादी जब तक सुबह की दवा नहीं ले लेती, ट्रैकिंग तो क्या हम कहीं नहीं जा सकते। अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद पी लेंगी, तुम चलो ना। वो तुम्हारी दादी होती तो तुम ऐसी बात भूल कर भी नहीं करते। दादी दवाई मैं उन्हें पिलाता हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महा। अभी बप्पा को आने में बहुत टाइम है दादी। अरे बेवकूफ, बप्पा तो सबसे पहले आते हैं। क्यों ना ऑल टाइम हिट भजन गाया जाए, गाना चेंज। ऐसा कौन सा गाना? हाँ, मोरे आरे बापा मोरे आरे, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना। आई ये टपक गई क्या? नहीं सो गई। ये कोई दवा नहीं है, बेहोश करने का काढ़ा था। बेहोश क्यों किया? अच्छा अगर वो नहीं सोती तो मैं तुम्हारे साथ अकेले नहीं आ पाती। बहुत टेढ़ा आइडिया है। आइडिया जरूर टेढ़ा है लेकिन मेरा है। बाय, माफ करना दादी। अर्जुन, टुमारो मॉर्निंग 7 o'clock, वाटरफॉल्स। डन भैया, यहाँ से चलते हैं भैया, वापस अपने घर चलते हैं। हर जगह से खाल उधेड़ दी मेरी भैया। ठीक है ठीक है, मैं बोट का बंदोबस्त करता हूँ, तू यहीं पर रुक। अरे छोड़ दो पहले। बच्चा तुम्हारा भाई भाग निकला, क्या वो यहाँ आया था? यहाँ पर तो नहीं आया। एक सेकंड बॉस, आप मेरे फ्रेंड किशोर के बारे में पूछ रहे थे? हाँ। अरे किशोर तो अंदर ही बैठा है। तुमने दुश्मन वाला काम किया है, उम्र भर का घाव मुझे इनाम में दिया है। ऐसे पंच वाली लाइन मेरा दोस्त नहीं बोल सकता। तुम किशोर बिल्कुल नहीं हो, तुम्हारे अंदर से कोई और बोल रहा है। स्वामी इसको लेके जाओ। तुम्हारे दोस्त किशोर बोल रहा है? वो तो मैंने ऐसे हीरो जैसी पंच लाइन बोल दी। कमाल है, तुमने मुझे पहचाना नहीं भैया। तुम्हें मैं कैसे याद दिलाऊं? वो दिन याद है जब मैंने ड्रामा में बंदर का रोल किया था। अंदर का पागल, टेलीकास्ट हो रहा है, इसको लेके जाओ। ये मेरा दोस्त नहीं है। गलत कर रहे हो भैया, इसको नहीं जानता। तुमको छोड़ेगा नहीं, देखना। ये बिना छोड़ना नहीं इसको। सही कहा, नहीं छोड़ूंगी। चली गई, अब 12 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं एक और कदम नहीं चल सकती। ठीक है तुम यहीं पर रुको, मैं आसपास देखता हूँ कहीं कोई बोट है क्या। ठीक है ओके। ए छोटू, क्या हुआ तुझे? बेटा तुमने मेरी पोती को कहीं देखा है क्या? वो सुबह से बाहर गई है, अभी तक नहीं आई। कमला, हाँ थैंक गॉड तुम आ गए, अब चले यहाँ से।
अकल से पैदल हो क्या? अब तक यहीं पर बैठी हो, घर नहीं जा सकती थी? तुमने ही तो यहाँ वेट करने को कहा था। मतलब मैं जो कहूँगा उस पर विश्वास करूँगी? विश्वास नहीं होता तो अकेले तुम्हारे साथ इतनी दूर क्यों आती? इतनी रात गए ऐसी खतरनाक जगह में अकेले रहना, तुम्हें डर नहीं लगता कोई जानवर या सांप हमला करते तो? वो मुझे कुछ नहीं कर सकते, जो मौत से डरते हैं वो ऐसी चीजों से डरते हैं। और मैंने याद तो? अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वैसे इतनी रात को घने जंगल से गुजर कर तुम अकेले आए, अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा? ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करते? बताओ क्यों आए? चलो। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। बाय। हे शोना। माना तुम्हें वेट करने से नफरत है, पर कल वेट करना पड़ेगा मेरे लिए। ओके। ओके। बाय। बाय। तुम्हें हमारे स्वामी ने बुलाया है। आप चलिए, मैं आता हूं। इसकी आत्मा की शुद्धि हो गई है, अब तुम इसे ले जा सकते हो। पर इसके अंदर के भूत का क्या? इसके अंदर किसी भी आत्मा ने प्रवेश नहीं किया था। मुझे तो पहले से ही पता था आत्मा होती नहीं है, साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, इसलिए आप मान ही गए कि आत्मा नहीं होती। मैंने कहा किसी आत्मा ने इसके शरीर में प्रवेश नहीं किया। ये कब कहा कि आत्मा कुछ नहीं होती? हर मनुष्य मृत्यु के बाद जब देह त्यागता है तो उसका वजन 21 ग्राम कम हो जाता है, ये बात साइंस में प्रमाणित हो चुकी है। स्वामी जी, तो वो 21 ग्राम वजन आखिर होता किसका है? मृत्यु के बाद शरीर त्याग देती है आत्मा। शैतान जिन पे हावी होता उन्हें मैंने देखा है, ये वैसी हरकतें नहीं कर रहा था। जिनके शरीर पर शैतान हावी होता है वो बिल्कुल आम लोगों की तरह व्यवहार करता है, हमारे बीच आम जिंदगी जीता है। उसे देख रहे हो तुम? हे, कितना क्यूट बॉय है, बहुत हैंडसम है ना? आपका तो नहीं होगा। राजा भूपति की तीसरी संतान ने अपनी कुल देवी का मंदिर गिरवा दिया, देवी ने उसे श्राप दिया और आज भी वो श्राप कायम है। राज्य हमारा था और हमारा ही रहेगा। जिस बाल अवस्था में बच्चा अपने दादा का नाम ठीक से नहीं बोल सकता, यह बिना रुके अपने राजवंश का इतिहास बता रहा है, अब क्या कहोगे तुम? स्वामी जी, टाइम नहीं है, वरना ये इतिहास पूरा सुन के जाते। कोई बात नहीं, आप खुद ही सुन लीजिए। चलो भैया, आपकी फीस कितनी होगी? हमारा काम मनुष्य की कमजोरी को अपना व्यापार बनाना नहीं है, सनातन धर्म हमें इसकी अनुमति नहीं देता। अब तुम लोग जा सकते हो, शुभम कल्याण। स्वामी किशोर, स्वामी कमला के बारे में बताया था ना, वो यहीं पर रहती है। ओके भैया। कमला, 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 ए घंटा भाई। हाँ, घंटा घंटा, रूम रूम। तुमने कमला को देखा? दादी और वो तो सुबह सुबह चले गए। क्या, चली गई? हाँ। कोई मैसेज छोड़ के गई है? मैसेज तो नहीं छोड़ा, फोन नंबर तो दिया होगा। क्या सर, साथ में तो आप घूमते थे, फिर नंबर मेरे पास कैसे होगा? क्या भैया, ये लड़की भी तुमको धोखा दे गई? कर्ता कर्म क्रिया, क्रोध प्यार रिश्ते, कुछ भी शाश्वत नहीं है, बिल्कुल नहीं।
Excuse me, sir. तीन पंजे पंद्रह. क्या हुआ बेटा? नमस्ते सर, मैं कमला का फ्रेंड हूँ. कुछ काम से विजयवाड़ा आया था, सोचा कमला से मिल लूँ. कमला नहीं है. तो कब तक आएगी? मैं वेट कर लूंगा. कब तक इंतजार करोगे तुम? अच्छा कहाँ गई है बता दीजिए, मैं वहां मिलूंगा. तुम उससे नहीं मिल सकते. क्या मतलब? उसे पर 4 साल हो गए. अचानक कैसे? एक्सीडेंट से. एक्सीडेंट? कब हुआ था? काफी टाइम हो गया. अभी 2 दिन पहले तो हम साथ में थे. रुकिए, ये देखिए उसकी फोटोज भी है. ये देखिए. ये मेरी बेटी कमला नहीं है. लेकिन सुनिए, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा. वो लड़की थी कौन? मेरे बारे में क्या फील करती थी? हाँ, मैं पसंद नहीं था तो सीधा सीधा बोलती ना. 4 दिन मेरे साथ घूमी फिरी और अचानक से गायब हो गई. यहाँ पर तो लड़कियां ही आंखें चार नहीं करती. क्या मतलब? अरे लड़की लोग का ये चिलोचा है, वो लोग ना कभी भी अपना असली नाम पता नहीं बताती है, बहुत छानी रहती है. तू दिल पे मत ले. क्या बोला? दिल पे नहीं लो. और नहीं तो क्या. बाइक साइड में लगा. चलो उधर. काय को? अरे उधर ना. ये मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहा है हीरो? तू भी दिल पे मत लेना. मेरा गोली मेरे को ही दिया. वेस्टर्न डांस. ये भी कोई डांस हुआ? छोटे छोटे कपड़े पहनकर यहाँ वहाँ लटके झटके मारना. I tell her bring it back like she loves some. Bring it back like she loves some.
in the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, how you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Fantastic job, guys. Yeah. Don't be late tomorrow, okay? Okay. Bye. Bye. तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं तुम्हारी शक्ल से पागल लगता हूँ। Hello, who are you? Who are you? केरला में चार दिन तक साथ में थी। Hello, शोना, हाय शोना करके घूमती रहती थी। अब यहाँ पर इंग्लिश झाड़ रही हो। मैं कौन हूँ? Who are you? रस्ते पर एक प्यारा कुत्ता दिख जाए तो वो भी एक हफ्ते तक याद रहता है। तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गई? What rubbish? Who the hell are you, man? Security! Security! क्या हुआ नित्या, क्यों चिल्ला रही हो? क्या कहा नित्या? ओह, तो ये है तुम्हारा असली नाम? आपने सुना दी? कब से कह रहा कि मैंने इसके साथ केरला में चार दिन बिताए? तुम इसकी बात मत सुनो। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। मैं ऐसे देखती हूं। मैं इससे बात कर रही हूँ ना, तुम जाओ। अरे रुको, मेरी बात पूरी नहीं हुई। हेलो हेलो, मुझसे बात करो। प्रॉब्लम मेरी और उसकी है, तुम बीच में क्यों आ रही हो? मैं उसकी बहन हूँ। तो तुम हो वो बहन? तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए तो आई थी वो केरला। क्या मेरे ट्रीटमेंट के लिए? ये तुमसे किसने कहा? और किसने? उसी ने कहा था, तुम्हारी प्यारी भोली बहन नित्या ने, उर्फ कमला। वहाँ ट्रीटमेंट नित्या का हुआ। तो प्रॉब्लम नित्या में थी, पूरा परिवार ही पागल लगता है, सब एक नंबर के झूठे। मैं सच बोल रही हूँ, मेरी दादी और नित्या केरला ट्रीटमेंट के लिए गए थे, मैं उनके साथ नहीं गई थी। मैं ये नहीं मान सकता, पूरे चार दिन वो मेरे साथ थी, तो उसका ट्रीटमेंट होता कब था? हर इंसान को अलग समय पर अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, वहाँ पर नित्या को ट्रीटमेंट रात को दिया जाता था। इसका मतलब? एक दिन तुमने दादी को बेहोश करने की दवा पिलाई थी ना? ये से कैसे पता चला? दादी ने मुझे वहाँ की एक एक बात फोन पर बताई थी। नित्या के शरीर से आत्मा निकलने के बाद वहाँ पर क्या क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं है, वो तुम्हें भी भूल चुकी है। पर नित्या मेरे काफी करीब आ गई थी, हमेशा मेरे साथ रहती थी। वो तुम्हारे साथ कैसे रहती थी? वो तो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी, उसके शरीर पर खुद उसका बस नहीं था। क्या नाम था उसका? हाँ, कमला। कमला ने उसके शरीर को अपना घर बना लिया था, इसलिए वहाँ जो भी हुआ उसमें नित्या का कोई हाथ नहीं है। वो ये सब कभी भी नहीं करना चाहती थी, वहाँ जो भी होता था उस सब की वजह कमला है। यानी नित्या वो नहीं जो मुझे चाहती थी और हमने जो साथ वक्त बिताया? मैंने कहा ना, वो नित्या नहीं थी, कमला थी। शरीर उसका था पर आत्मा कमला की थी, वो सारा काम उसकी आत्मा का ही था। देखो, अगर तुम नित्या से दोबारा मिले और तुमने केरला की बातें याद दिलाने की दोबारा कोशिश की तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। तुम उसे भूल जाओ प्लीज। एक सेकंड, तो फिर नित्या के शरीर में जो आत्मा थी वो नित्या के शरीर से निकलने के बाद कहाँ गई पता नहीं। हाँ, मैंने उसके बारे में पता किया था, सिर्फ इतना पता चला, हाँ वो विजयवाड़ा की है। कमला? हाय, आई एम कमला, प्योर वेजिटेरियन फ्रॉम विजयवाड़ा। घूमे फिरे बिना अगर ऊपर चले गए तो जीने का क्या फायदा बताओ? अगर वो नहीं सोती तो मैं तुम्हारे साथ अकेले नहीं आ पाती। वो मुझे कुछ नहीं कर सकते, जो मौत से डरते हैं वो ऐसी चीजों से डरते हैं। इतने सालों बाद मुझे किसी से सच्चा प्यार हुआ, पर जिससे प्यार हुआ वो आत्मा थी। यार, उस भूतनी को मैं ही मिला था क्या? इस दुनिया में अनगिनत कुंवारे लड़के घूम रहे, मुझे ही क्यों फंसाया? क्यों इसको मजनू बना दी ना? अपने को गले में पट्टा नहीं मांगता है। हेलो अर्जुन। हाँ बोलो, कौन है? मैं हूँ कमला। कमला? सॉरी अर्जुन, केरला से जाते वक्त मैं तुमसे मिल ही नहीं पाई, इतनी जल्दी जल्दी में जाना पड़ा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जानते हो, तुम्हारे बिना एक पल भी रहना कितना मुश्किल है, तुम्हें देखे बिना अब रहा नहीं जाता, पर क्या करूं, तुम तक पहुंचने का कोई जरिया ही नहीं मिल रहा था। पर अब मिल गया है, जल्द ही मुलाकात होगी।
अर्जुन आई लव यू। ये लोग का दिमाग खराब हो गया है। ये ग्राफिक्स कंपनी है या धूप छाप ब्यूटी पार्लर? फेस का पिंपल निकालो, डार्क सर्कल निकालो, स्किन गोरा बनाओ। मैं आंडू पांडू नहीं हूँ, बड़ा ग्राफिक डिजाइनर हूँ। एक टेंशन के ऊपर दूसरी टेंशन। क्या टेंशन बे? इसके टेंशन के आगे तेरा टेंशन चिरकुट है। अब वो लड़की नई सवारी में आ रही है, मेरे को टेंशन है वो ऑडी में आ रही है या रिक्शा में। अबे सवारी बोले तो कार, बस या ऑटो रिक्शा नहीं, सवारी बोले तो नई बॉडी। वो क्या होता है इस येड़े को कैसा समझाऊं? हाँ, जैसा पुराना सिम नए फोन में डलता है। ओ, डबल सिम होगा ना? अबे पहले टेंशन का मैं तू और बढ़ा रहा है। अरे बस करो यार, आने दो उसको, मैं डरता हूँ क्या? गले थोड़ी पड़ सकती है, मैं उसकी जागीर हूँ क्या? बोल दूंगा इंटरेस्ट नहीं है। मेरे प्यारे भोले, वो सती सावित्री नहीं है कि तू कहेगा जा और वो कहेगी ठीक है स्वामी। दिमाग सटक गया क्या तेरा? किसी आम लड़की को भी ना बोलेगा तो वो चाट समझ के तेरा दिमाग चाट जाएगी। और ये तो कोई आत्मा है, तुझे क्या लगता है तेरे को ऐसे ही छोड़ देगी? भले तू भागकर अब दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा, वो तेरे को ढूंढेगी और भूतनी डांस करके रहेगी। तो फिर बताना क्या करूं? नाइस क्वेश्चन। तेरे फोन नंबर के अलावा वो तेरे बारे में और कुछ नहीं जानती। और तो और, वो इस शहर में बिल्कुल नहीं है, मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अपना फोन स्विच ऑफ कर डाल, ना तेरा फोन बजेगा और ना तेरी बजेगी। पर उससे पहले अपने को ये पता लगाना होगा कि वो लड़की किसको अपनी सवारी बनाती है। हे अर्जुन, तेरे से कोई लड़की मिलने आई है। अब 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 तेरा फोन बंद कर जल्दी। अरे वो सीधा यहाँ टपक पड़ी है, फोन बंद करके क्या होगा? बराबर बोला। चलना भूत नहीं देखते। अबे तू काहे को इतना उछल रहा है? बचपन से भूत वाली पिक्चर देखने का शौक है ना। ये क्या यार, हमें तो लगा सिम नए फोन में लगेगा, ये तो पुराने में लगा है। शायद नए फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। अबे जाके देख मैटर क्या है, जा। कमला, कमला, नित्या। अर्जुन। या हाय, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। श्योर। योर ऑर्डर मैम। हाँ, 1 एस्प्रेसो। ओके मैम। तुम क्या लोगे? हेलो, कॉफी। दीदी ने तुम्हें सब बता दिया ना? उसने मुझे चुप रहने को कहा था। मुझे उन्होंने ये भी बता दिया। मैं जानती हूँ तुमने जो कहा वो सच है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम वो नहीं हो। थैंक्स। वो कल रात तुमने कहा था कि हम दोनों ने केरला में एक साथ। जब तुम वो नहीं हो तो टेंशन किस बात की? पर बॉडी तो मेरी थी ना। इस फुलनेट शो के बारे में तो बताया नहीं। गद्दार कहीं का, मेरे को कहीं को मार रहा है। वैसे उस रात हुआ क्या था हमारे बीच? मतलब वो सब। छेजी, मैं डीसेंट हूँ, बहुत ही शरीफ लड़का हूँ। माना तुम डीसेंट हो, पर कुछ हुआ तो नहीं ना? जब डीसेंट हूँ तो कुछ होगा कैसे? तुम इतनी टेंशन में क्यों? अरे वाटरफॉल्स पर जब तुम नहा रही थी तब भी मैं तुम्हारे करीब नहीं आया था, इतना डीसेंट हूँ। व्हाट? मैं वाटरफॉल्स में नहाई थी? नो वे। अरे हाँ, ये सच है, उस दिन बहुत मजा आया था, मेरे पास उसकी फोटोज भी है। तुम तो डीसेंट थे ना? पकड़ा गया। सारी फोटोज मैंने एकदम डिसेंटली खींची हैं। 9032362 ये क्या? मेरा फोन नंबर, व्हाट्सएप मी अभी। हाँ, व्हाट्सएप बाद में करूँ चलेगा? उसके बाद फोटोज डिलीट कर देना, क्योंकि तुम तो डिसेंट हो। या नाइस मीटिंग, बाय बाय। वो कह रही थी वो कमला नहीं है, नित्या है। पता है, हम सब डिसेंटली देख रहे थे और सुन भी रहे थे ना। हेलो हेलो अर्जुन, कमला। बस 5 घंटे 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी। I'm so happy जानू। वैसे मैं मिलूं कहां तुमसे? वो पूछ रही मुझसे कहां पर मिलूं। उसको बोल तू आज अमेरिका जा रहा है। वो नहीं मानेगी। तेरे नाम पे होटल में रूम बुक करवा दूं? वो एक हसीना थी, अब डायन है। अर्जुन बताओ ना कहां आऊं।
सिकंदराबाद बस स्टेशन के पास क्लॉक टावर है, वहीं पर वेट करो, मैं आके पिक करता हूँ। ओके बाय बाय। तू उसको पिकअप करने जा रहा है क्या? अभी तो बोला ना यार। हाँ तो जाना, लेट हो जाएगा। अबे भाई आजकल भलाई और नेकी का जमाना नहीं है, कमीना बनेगा तभी लाइफ में आगे बढ़ेगा। सीधे पॉइंट पे आना यार। तू घर जाकर आराम से पैक मार, हम लोग बस स्टेशन जाते हैं। तुम लोग उसको पिक करोगे, उसकी फोटो खींचेंगे। वो क्या मस्त चुड़ैल होगी उसे। गटर बंद कर चल। इतनी भीड़ में कैसे ढूंढेंगे इसको? भीड़ में इंसानों को ढूंढना मुश्किल होता है, भूतों का नहीं। बोले तो? बड़ी आंखें होंगी, तेज हवा चल रही होगी, मोमबत्ती लेकर आ रही होगी, सफेद साड़ी भी होगी। तू ढूंढ। दीदी आपको कुछ खाना है क्या? आखिरी ऑर्डर है, उसके बाद बंद कर दूंगा। अभी कुछ नहीं खाना, मैं घर जा रही हूँ, वही खाऊंगी। अरे ओ डूड, एक चटपटी बिरयानी और ला, और साथ में बिल भी। आपको अर्जुन ने भेजा है। अर्जुन वो कौन है? अरे अर्जुन के बारे में पूछा। कमला वही है, तुम जानते हो? हो सकता है उसने आज रात के लिए इसे बुक किया हो। वो उसके साथ कल चली जाना, आज मेरे साथ चलना। एक फुल प्लेट तंदूरी चिकन, थोड़ा स्पाइसी बनाओगे तो मजा आ जाएगा। सर, कई दिनों के बाद मैं आज अपने लवर से मिलने वाली हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। सुनो भैया, ऑर्डर कैंसिल। क्या रे ड्रामा कर रही है, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। चल। मैंने पहले ही कहा था डिस्टर्ब मत कर। पहले बॉल पे सिक्स। ये तो आउट हो गया। भैया भैया उठो भैया, दूसरे राउंड में और तेज आओ ना। फोटो ले, फोटो ले। ये क्या कर रहा है? सेल्फी विद चुड़ैल। अरे कहीं क्या, ये कोई सेल्फी लेने का टाइम नहीं है। बहन भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई और बहन हैं। भाई समझकर माफ कर दो। फोकस क्यों नहीं हो रहा है? इतना हिलाएगा हाथ तो फोकस नहीं देगा साथ। तुम ही मेरी सिस्टर हो, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, मुझे माफ कर दो। लड़कियाँ दुर्गा का रूप होती हैं। ले अब खींचना। मुझे माफ कर दो। फ्लैश क्यों ऑन किया था? ताकि चुड़ैल क्लियर दिखाई दे। पागल कहीं क्या? कुछ गुंडे सरेआम एक लड़की को छेड़ रहे हैं और तुम मदद करने के बजाय उसकी फोटो खींचे जा रहे हो। मम्मी भूत, चल भाग। अरे सुन रुक, में भूतनी के साथ एक प्लेट पाव भाजी खाते ना। बैठ ना पागल। चीज के साथ रुक ना, मौका गया। सत्या ये क्या कर रहा है? वो लड़की भूत नहीं है, वो तो ब्रूस ली है। हर साइज के गुंडे को मारा, छोटे बड़े मीडियम साइज के। क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबे खड़ा क्या है, फोटो दिखा ना। चुड़ैल की HD फोटो। जो एक बार इस लड़की को देख ले वो इसे कभी नहीं भूल सकता। सिर दुख रहा है, जाके झंडू बाम लेकर आ, और साथ में 90 का जाम भी पी के टांग ऊपर करके सो जाऊंगा। आप खड़ा के आ जा। फोन स्विच ऑफ कर दे, मैं तब तक अपने पाप धो आता हूँ। तेरी है ना? हाँ, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कमिश्नर ऑफिस में मेरी कितनी पहचान है? बड़ी बड़ी सुपर हिट पिक्चरों में मैं स्पेशल इफेक्ट्स करता हूँ। लड़की की चेन चुराई तूने, तूने ओ सनम। यो कौन है वो लड़की, बता मेरे को कौन है? ये तो वही चुड़ैल है। अबे इधर
नहीं होगा। सर ये कोई लड़की लड़की नहीं है, भूतनी है। कालिए मेरे शहर की लड़की को भूतनी बोला, भूतनी के सर अपनी गलियां चौपारा भूल जाइए, ये भूतनी है भूतनी। कालिए रिपीट तलिका कोई भूतनी भूतनी। अब बात को बिना छिपाए और भटकाए बता इनकी चेन कहाँ है। चेन? अच्छा चेन सर वो कार में रखी हुई है। मैं ले गया अभी आया सर। सर मैंने बोला था ना सर, देखा दरवाजा अपने बंद हो गया। हवा से बंद हुआ भूतनी के। आपको बोलना था ना बाद में चलने को। सॉरी सर दरवाजा हवा के मारे बंद हो गया, पर कुंडी अचानक कैसे बंद हो गई? कुंडी बंद हो गई? थैंक यू सर, आप बहुत शौक में हैं। आराम कीजिए, इंक्वायरी मैं कर लूंगी। अर्जुन कहाँ है? एक छोटा सा डाउट है, बताऊंगा तो मुझे मारोगे नहीं ना? प्रॉमिस? यहाँ मार के प्रॉमिस करना था। हम अर्जुन के दोस्त थे, कैसे पता चला? तू नहीं तो बताया था मैंने। भूत निकल निकल निकल। तुम्हारे मुंह से भूत सुनकर ही मुझे शक हो गया था, और आज जब तुमने मुझसे पूछा तो कंफर्म हो गया। चुड़ैलों की जेम्स बॉन्ड, जय हिंद। अब बताओ मुझे अर्जुन कहाँ है? अर्जुन मेरा अर्जुन कहाँ है? हाय। फोटोज और वीडियोस एकदम ऑसम थे, एकदम डीसेंट। टेंशन मत लो, मैंने फोन से सब कुछ डिलीट कर दिया। थैंक्स अर्जुन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो ना। हमारा ये डांस स्कूल अभी शुरू हुआ है, फेमस नहीं है अब तक। हम इसकी पब्लिसिटी करने के लिए एक शोरील बनाने की सोच रहे हैं आजकल। गुड आइडिया, तो इसमें मैं क्या हेल्प करूँ? तुम्हें वो शूट करना होगा। मुझे? क्यों? वॉटरफॉल में नहाते हुए मेरी फोटो खींच सकते हो, लेकिन डांसर्स की नहीं। बात यह है कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। देखो अर्जुन, मुझे जो लगा मैंने बोल दिया, तुम इस काम के लिए परफेक्ट हो, और तुमसे बेटर ये काम कोई नहीं कर सकता। बोलो, मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? पर मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तुम ही करोगे। ओके बाय। लगा 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 रे, दरवाजा खुला। लगा 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 रे। हेलो दोस्त, अब तुम मुंह खोल के कुछ बताएगा या मैं बताऊं? बता। बताना चाहिए था ना कि घर पर आ रहे हो। कोई बात नहीं, चलो कुछ खा के आते हैं। पहले से बहुत खा के आए हैं। चलना बिरयानी देख के भूख लग जाएगी। मेरी गैर हाजिरी में तू घर पे लड़कियां लाता है? हमारी शक्ल को देखकर लगता है छमिया को लाएंगे, वो तो भूतनी है। अबे वो तेरे पीछे पागल है, वो पर है। कोई मामूली भूतनी नहीं है, क्रिमिनल भूतनी है। तू भी संभल के जा, वो तुझे मार ना दे। कैसे अर्जुन, ठीक हो ना? क्या हुआ, पहचाना नहीं मुझे? ए, फोटो ठीक से ली थी ना? फाइट की फोटोज तो ब्लर आई। फुल स्टॉप। अर्जुन मैं हूँ कमला। टाइम प्लीज। हाँ यार तुझे कितनी बार बोला मैंने ये गलत है, इतनी दूर से जब कोई आता है तो उससे बात तो करना चाहिए, तू तो बोलता मिलने ही मत जा। इसने बोला तुम्हारा फोन काट, फोन स्विच ऑफ कर दूं, ये कोई बात हुई क्या? मैंने क्या किया? तूने ही तो एकदम। इसका प्लान था हमें अलग करने का मालूम? मेरा और किसका? निकल यहां से, बाहर निकल, जल्दी निकल, चल। ठीक है तो मैं सच में जा रहा हूँ। हाँ तो जाओ ना, बाहर वेट करना। ओके चल चल। कमला I'm very sorry. Actually, तुम्हें जोरों की भूख लगी है ना? डोसा खाओगे? खाऊंगा। बाकियों की तरह मैं आम लड़की नहीं हूँ, मेरी आत्मा और शरीर अलग हैं। प्यार शरीर का मोहताज नहीं होता, लेकिन शरीर के बिना मिलन नहीं हो सकता, इसीलिए
आत्महत्या करती हुई एक लड़की को मैंने बचाया। मैं यहाँ तुमसे शादी करने नहीं आई हूँ अर्जुन, लेकिन पता नहीं क्यों सुबह आंखें खुलते ही तुम्हें देखना चाहती हूँ। सोने से पहले भी तुम्हें ही देखना चाहती हूँ। अपनी हर इच्छा, अपना हर सपना, हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। जब तक इस दुनिया में मेरा अस्तित्व बरकरार है, तब तक सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कुछ गलत कहा क्या? नहीं, कुछ गलत नहीं कहा। अगर ये गलत है तो प्यार शब्द का होना ही गलत है। हाँ, लेकिन देखो कमला, तुम्हारी तरह मैं भी एक आशिक हूँ, लेकिन आजकल असली प्यार को पाना तो दूर, असली प्यार क्या होता है किसी को पता ही नहीं है। खैर, ये केरला का वो रूम नहीं है, मेरा घर है। फर्स्ट फ्लोर पर दो बेडरूम है, एक तुम्हारा और एक मेरा। तुम जब तक यहाँ पर रहना चाहती हो आराम से खुशी खुशी रह सकती हो। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, ओके? एक और डोसा खाओगी? दबा के। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कहीं तेरे अंदर भी उसकी तरह कोई आत्मा तो नहीं समा गई? ए, चुप कर सत्या। यार, लाइफ की ट्रेजेडी तो देखो, एक भूतनी मुझे आई लव यू कहती है, किसी और की बॉडी में घुस के मेरे घर पर आती है। मेरी फूटी किस्मत में चुड़ैल निकली है क्या? ए, डोसा खिलाने वाले को कोसते नहीं है। बराबर बोल रहा है। मैं तेरे को कॉमेडी सोच रही है। अरे याद है, जल्दी किशोर को फोन लगा, जल्दी फोन लगा। तुझको बना के ले जाएंगे किशोर की दुल्हनिया। ये लो लो लो, मिठाई खा लो, खा लो, तुम भी लो। अरे खाओ ना मिठाई काई को। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे डिनर पे बुलाया था। डिनर? इतनी आंखें मत फाड़, तुझे मैं पूरी फिल्म दिखाता हूँ, जरा उधर तो देख। किशोर, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे? तुमने मुझे किशोर कहा? श्योर आंटी। हाँ? बदला ले लिया। हंसना बंद कर, मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है तेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? और तूने दोस्त पे हाथ उठाया? अरे भाड़ में गया दोस्त, एक और लगाऊं क्यों? बात करने की बजाय हाथ क्यों उठा दिया भैया? मैंने बताया था ना, केरला में मैं एक लड़की से मिलता था। हाँ, बताया। वो लड़की सीधा मेरे घर आ गई, और तो और आते ही आई लव यू कहकर मेरे कमरे पर कब्जा करके बैठी है। ये लड़कियां मेरा पीछा कब छोड़ेंगी? आई रिजेक्ट। तेरा नहीं, मेरा। तेरा? जी जी जी। आजकल की लड़कियां भी तेरे घर को अपना बना लिया। तू बस देखता जा कैसे मैं उसको यहाँ से बाहर निकालता हूँ। तू देख, सुन ले, वो कोई आम लड़की नहीं है, वो असल में। मैं भी कोई पपीता बंदा नहीं हूँ। तू अगर शाना है तो मैं डेढ़ नहीं ढाई शाना हूँ, तू बस जलवा देख। बात तो सुन ले, वो जो है क्या, वो... है? क्या कब से सुन सुन बोल रहा है? तू बस देखता जा। तू जा, इसके मन में है तो इसको जाने दे। समझाना यार इसको, तू चलेगा साथ में? मैं लड़कियों के मुंह नहीं लगता, जा। आकर मुंह मीठा करता हूँ। सिर्फ हम ही क्यों खाए, थोड़ा ये भी खा ले। किशोर का कमाल। ए साड़ी वाली, कौन है रे तू? ये घर है या कोई धर्मशाला है? जब देखो प्यार प्यार प्यार, चलो अपना सामान पैक कर और यहाँ से निकल। तू मुझे जानती नहीं है, मैं वो लव डॉक्टर हूँ जिससे पंगा लेते लवर्स का लवेरिया निकल जाता है। शहर में सीजन चल रहा है मलेरिया का, और तू यहाँ पे घर में लवेरिया फैला रही है, लेडी लव मच्छर। पागल हो गई है क्या? ऐसे कोई पलट के देखता है क्या? गर्दन पे मोच आ गई तो ऐसे आराम से करता। चल निकल। One, two, three, four, five. Down, 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 down. मुझे ये डाउट है कि उसके अंदर कोई और है। वैसे ये है कौन भैया? तेरी भाभी। तुझे पता है वो वन नहीं टू है? बोले तो वो टू इन वन है। अच्छा, तो वो केरला वाली? नॉट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट कौन है? नो आइडिया किशोर जी। वो केरला वाली लुढ़क गई ना? नहीं, अभी सलामत है। तो फिर उसने उसके अंदर एंट्री कैसे मारी? वो नहीं है जो दिखती है। कौन है? जो इसको चाहती है। ये चाहने का लफड़ा कब से शुरू हुआ? केरला में लफड़ा शुरू हुआ। अबे तू दिमाग से पैदल है क्या? ये बता, तू केरला गया ही क्यों? अबे वो कभी भी आ जाएगी। वैसे तू केरला क्यों गया था? यहाँ कोई काम धंधा नहीं था क्या? कल 12 बजे की ट्रेन है, तू जरूर आएगा। आगे क्या करना है? अभी के अभी केरला जा, बड़े बाबा को बोल कुछ करे, रिक्वेस्ट कर। अर्जुन! पागल अर्जुन तू है, तू यहीं पे रुक। ये पगला हमारे साथ गायब हो रहा था।
अर्जुन आ रहा हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये तो बैड मॉर्निंग है और ये बैड टी नहीं बैड टी है। नित्या यू आर द बेस्ट यार। किसी लड़की का लवर जब किसी और लड़की से व्हाट्सएप पर चैट कर रहा हो तो वो सुसाइड करना चाहेगी, लेकिन मैं कुछ अलग हूँ। मैं अपने लवर का खून करके जेल जाना चाहूंगी। ठीक है ना अर्जुन? हाँ बिल्कुल सही। जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं। ऑफिस ऑफिस ऑफिस। अरे तुम कहाँ जल्दी? अर्जुन के ऑफिस क्यूबिकल और कलीग्स को मैं देखना चाहती हूँ। ओके हाय गाइस दिस इज हाय। ये तो कमाल है भाई, इसको कहाँ से मिल गई? आधी रात को बस स्टैंड पे खड़े हो जा, तुझे भी मिल जाएगी। हाँ हाँ अबे वो चुड़ैल है। ऐसी हो तो चुड़ैल भी चलेगी। अरे ये क्या कर रही? ओ हटा, मरवाएगी। मेरे मम्मी पापा दोनों अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, या नहीं दिल्ली में। यहाँ ये घर बनाकर वहाँ सेटल हो गए। अब मैं इस बड़े से घर में अकेला गोटियाँ खेलता हूँ। तुम अकेले नहीं हो, मैं आ गई हूँ ना, मिलकर खेलेंगे। लुकिंग कूल। एक सेकंड, आओ ना। नित्या के छूते ही घंटी बजने लगती है। कुछ अच्छी खबर दे यार, बड़े बाबा से मिला क्या? अभी नहीं भैया, यहाँ मेरी बैंड बजी हुई है। मैं बाबा से जल्दी मिलूंगा। यार कब? ए, फोन रखवा गई, आ गई। वो क्या ना अर्जुन, आई हैव कंप्लीट माय प्रोजेक्ट वर्क एंड घर पे मम्मी वेटिंग, तो आई एम गोइंग। बाय बाय। चल रे? हाँ चल। आज किस खुशी में दरवाजा बंद कर दिया, बताना चाहोगी? ठीक है कोई नहीं, मैं वहां पर आराम से बैठा हूँ। बाबा बोले आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। 21 ग्राम में इतना टॉर्चर? शी इज सिक यार। वो सिख नहीं है यार, हिंदू है। ओ शी इज सिक, सिक। फेस लेफ्ट में करना। क्या हुआ? आई एम रियली सो हैप्पी। ये तो हैप्पी है पर मैं सैड हूँ। बचपन से मुझे भूतों की मूवी से डर लगता है। कुछ और लगा ना। वो भी पवन कल्याण के फैंस हैं। घर के खाने की बात ही अलग है। नहीं चलो बाय। ये कहां से आ गई? लो तुम भी खिला। आओ मिल गई। शाम को जरूरी बात करनी है, जल्दी आ जाना। इस गांव में राजन ठाकुर से कोई आंख से आंख मिलाने की जरूरत नहीं करता और तूने मेरे आदमियों को खाली हाथ भेज दिया। अपनी जमीन मेरे नाम करने से मना कैसे किया? ए! आ भाई, इसकी चोरों को ले गया। नहीं भैया, मैं जमीन आपके नाम कर दूंगा। क्या बे, सुना तू अपनी चोरों की कोई बात नहीं डालता? एक रात के लिए उसे अपनी चोरू बना लूं क्या? भाई गोपी का फोन है, स्पीकर पे डाल। भाई वो पार्वती मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। उसने हमको बेवकूफ बनाया। हैदराबाद में वो किसी और के साथ रह रही है। कुछ सुना तूने? नहीं भैया। पार्वती मेरी है और मेरी ही रहेगी। हाँ नित्या। अर्जुन ऑफिस से निकलो और सीधा वेनेटो रेस्टोरेंट में मिलो। वेनेटो रेस्टोरेंट? क्यों? तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। फादर्स डे मदर्स डे की तरह आज इम्पोर्टेंट डे है, जिसे देखो इम्पोर्टेंट बात ही कर रहा है। वो सब मुझे नहीं पता, तुम बस सीधा रेस्टोरेंट आ जाओ। ओके बाय। नित्या नित्या। वेनेटो में गजब का चाइनीज खाना मिलता है। अगर कमला को पता चला ना तो तेरा सूप बना देगी। कमला? कमला अर्जुन निकल गए हो ना? नहीं, वो ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी।
बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ वो मीटिंग राजामौली सर के साथ है ना? डायरेक्टर राजामौली? हाँ, उनकी नेक्स्ट फिल्म के ग्राफिक्स करने हैं। वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आए हुए हैं। वो अभी सामने बैठे हुए हैं, इसलिए देर हो जाएगी। हा? कोई बात नहीं अर्जुन, तुम अपनी मीटिंग पूरी करके आ जाना, मैं डिनर पर तुम्हारा वेट करूंगी। तो दोस्तों, आज हमारे शो में मौजूद है बाहुबली के मशहूर डायरेक्टर राजामौली जी। सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। बाहुबली बनाने का अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बाहुबली एक टीम एफर्ट है, सबकी लगन मेहनत रंग लाई, ऐसा कह सकते हैं। अभी तो इतना सक्सेस मिला है। हाय नित्या। हाय। तो बताओ, ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात है? पेपर सुबह पढ़ चुका हूँ मैं। स्पोर्ट्स पेज या सिनेमा पेज नहीं अर्जुन, मैट्रिमोनी पेज है, खोल कर देखो। मेरे पापा ने शादी का ऐड दे दिया है। इस उम्र में दूसरी शादी? अर्जुन प्लीज अच्छे से तो पढ़ो। सॉरी। उन्होंने मुझे एक साल का टाइम दिया था ताकि मैं अपनी मर्जी का लड़का ढूंढूं, पर एक साल में मुझे कोई लड़का जमा ही नहीं। पर अब जब मैंने कहा मुझे कोई मिल गया है, उन्होंने बात सुनी नहीं। कोई मिल गया? कौन मिल गया? तुम अर्जुन। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं लाइफ लॉन्ग हैप्पी रहूंगी। मेरा इंस्टिंक्ट तो ऐसा ही कहता है, इसलिए मैंने सोचा पूछ ही लूं। शैल वी गेट मैरिड? हेलो अर्जुन, क्या बताओ, क्या कहते हो? व्हाट? टू मिनट्स। सॉरी सर। बॉस, शैल वी गेट मैरिड? इसका मतलब? मतलब मैं समझ गया। नहीं, एक कंफ्यूजन है जो मैं दूर करना चाहता हूँ, इसलिए पूछ। एक मिनट, यही ना कि हम शादी कर ले? सॉरी सर, आप लगे रहिए। छे, तुम्हारे डाउट के वजह से वो मुझ पर डाउट करने लगा। यहाँ से निकल जाता हूँ वरना ये मेरा कैरेक्टर ही डाउटफुल बना देगा। अरे सत्या, तुझे ही कॉल करने वाला था। नित्या ने मुझे डिनर के लिए वेनिटो रेस्टोरेंट में बुलाया था और अचानक पता उसने मुझसे क्या पूछा, शैल वी गेट मैरिड? सत्या, हेलो, सुन रहा है सत्या? मुझे प्रपोज किया तो इसकी क्यों बोलती बंद हो गई? अर्जुन, यहाँ के स्नैक्स बहुत टेस्टी हैं। टेंशन मत लो, पहले खा लो, फिर आराम से बात करेंगे। थैंक्स। सौ रुपए हुए। सॉरी मैडम, 500 का छुट्टा नहीं है। क्यों, टेस्टी है ना? बहुत टेस्टी है। अर्जुन, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? ऐसा नहीं है, एक्चुअली आई रियली लाइक यू। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर भूतनी क्या क्या बोलेगी। चलो भाई शुरू हो जा अर्जुन।
सॉरी, ज्यादा ही लेट हो गया। नहीं, राजामौली सर छोड़ ही नहीं रहे थे। जैसे जैसे बात बढ़ी, हम ग्राफिक शॉट्स डिस्कस करने लगे। उनके डेडिकेशन का तो जवाब ही नहीं है। बाहुबली पार्ट 3 की स्टोरी क्या होगी मुझे पता चल गया, तुम्हें भी सुनाओ। हो गया मतलब डिनर खा लिया? नहीं नहीं, राजामौली सर ने मुझे कितना कहा, अर्जुन बैठो बिरयानी खा लो। मैंने बोला खास इंसान के साथ डिनर करना है, वो हंसे और मान गए। यहाँ भी लॉलीपॉप। तुम भी खाना शुरू करो। तुम खाओ पहले, मैं बाद में खा लूंगी। अच्छा, कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी ना, बोलो। कुछ नहीं। ये क्या नाटक है, शहरों के काम ऐसे ही होते हैं, कभी कभी लेट हो जाता है, बात को समझो ना। आजकल के लड़के प्यार करने के लिए लड़कियों में क्या क्वालिटीज ढूंढते हैं? बस लड़की होनी चाहिए, क्वालिटी किसे चाहिए? जोक नहीं है, बताओ। वेल, कैरेक्टर, एटीट्यूड, बिहेवियर। और तुम? एक लड़की में तुम्हें क्या चाहिए? वही सेम क्वालिटीज, कैरेक्टर, एटीट्यूड, बिहेवियर। सिर्फ सच बोलो अर्जुन। मैं सच बोल रहा हूँ कमला। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझसे झूठ नहीं बोल सकते तुम। केरला में जब मैं नित्या की बॉडी में थी तो तुम मेरे लिए पागल थे, अब जब मैं किसी और की बॉडी में यहाँ आई हूँ तुम मुझे नहीं चाहते, क्यों? मेरा कैरेक्टर, मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड बिल्कुल वैसा ही है। उस लड़की में वो बात नहीं है, फिर भी उसे किस किया, क्यों? मतलब तुम आत्मा से प्यार नहीं करते, शरीर से करते हो। कमला, 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 मेरी बात तो सुनो कमला। आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। केरला में मैंने तुम्हें देखा और मैं दीवानी हो गई। तुम्हारा हर शब्द मुझे तुम्हारी तरफ खींचता रहा और उसी वजह से मैं आज यहाँ आई हूँ। तुम्हें लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? जानते भी हो मुझे? वही लड़की जिसके प्यार में तुम 4 साल पहले पागल थे। मैं वही लड़की हूँ जिसने 4 साल पहले तुम्हारे हाथों से शादी का जोड़ा लिया था। मैं आयशा हूँ। आयशा, इतनी तो समझ होनी चाहिए कि औरतों से कैसे बात करते हैं। तू मुझे मत समझा, ज्यादा बकवास करेगी तो एक थप्पड़ घुमा कर दूंगा। क्या मुझे मारेंगे? अच्छा, मुझे धमकी दे रहे हो? अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, आज से हमारा रिश्ता खत्म, मैं जा रही हूँ। छोड़ कर जाएगी मुझे। बोल। आराम से। लगा क्या? उठिए उठिए, संभल कर। घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, बस कुछ देर और सब ठीक हो जाएगा। बस हो गया।
Now she's okay. Thanks. अरे खून नर्स आउच बहुत है इधर। ए ले लो भांडी बर्तन कढ़ाई चम्मच खाना पकाओ बीवी से मार खाओ नो गारंटी नो वारंटी आओ लूटे लौटे से ले जापान भी पहले सिग्नल पे तेरा सामान कौन खरीदेगा बे? एक और बार बोला तो तेरा लाउडस्पीकर बंद कर दूंगा। बंद करेगा? ले बोला। काले जले हुए अंडे तेरा ध्यान किधर है? चोर बाजार का डिस्काउंट वाला माल इधर है। ब्लडी भंगार वाला। ए जले हुए तंदूर, तेरे दोस्त को एक लड़की आवाज दे रही है, पीछे देख। लड़की? हाय हाय। हाथ कैसा है? हाथ कैसा है? समझा नहीं। लड़की पूछ रही है हाथ कैसा है, जल्दी जवाब दे, उधर भी जवाब देना है। ओ अब ठीक है, बेटर है। हाँ? हाथ की लकीरें उड़ गई है, बाकी हाथ ठीक है, वैसा सर ने बोला है। मैंने इस तरह बोला था। क्रिएटिविटी सर, अपन भी टैलेंटेड है। चोट अभी ठीक नहीं हुई और तुम बाइक चला रहे हो। फ्रैंक को बोलो। तुम्हारे पीछे जो बैठा है वो इंसान नहीं है, जला हुआ गुलाब जामुन है, उसको बोलो कि बाइक चलाए, ऐसा मैडम ने बोला है। ए लाउडस्पीकर, जो मुंह में आ रहा है बके जा रहा है, उतर कर मारू क्या? तूने तो दिल पे ले लिया यार। श्योर श्योर, नेक्स्ट टाइम। मैंने सुन लिया। सही है सही है, मैडम के कान इसकी धार की तरह तेज है। बाय, टेक केयर। बाय। आयशा, खुदा ने तुझे मेरे लिए परी बना के दिया, प्यार की तेरी धुन में मैं खो गया मिट गया उसके नशा में मोना। मपनी सा नी सा मपनी री पनी मपनी सा सा नी री सा नी सा सा री री गा गा मा। क्या बात है? कुछ नहीं, एक डाउट था। हर फ्राइडे तुम इन कबूतरों को दाना क्यों डालती हो? इसके पीछे कोई खास वजह? इंसान भले ही प्यार का मतलब भूल गया हो, लेकिन ये पंछी प्यार का प्रतीक है। इन्हें इस तरह दाना खिलाने से हमारी हर इच्छा पूरी होती है। मैं ऊपर वाले से बस यही दुआ मांगती हूँ कि मेरे करीबी लोगों को वो लंबी और खुशहाल जिंदगी दे। वाओ, सुपर। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं हर फ्राइडे यहाँ आती हूँ? कहीं तो मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? कहीं लाफ तो नहीं? अमेजिंग। देखा, कई रातों से ये सोचकर नींद नहीं आ रही थी कि दिल की बात कैसे बताऊं। तुमने टेंशन दूर कर दी। यस, आई लव यू। ओए, एक्सक्यूज मी। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। अब तक तो तुमने मेरा चेहरा तक नहीं देखा है, सिर्फ आंखें देखी हैं। मेरी नाक गोभी के पकोड़े की तरह है और मेरे दांत भी बाहर है। बुर्का हटा दिया ना तो सारा लव निकल जाएगा। हटो। हेलो, ओ बुर्का वाली मैडम, आई जस्ट लव यू। हेलो यार, तो तुम भी मुझसे करती हो। इधर देखो, सबूत है मेरे पास। हाँ? देखो किस तरह तुम अपनी क्लास की खिड़की से नीचे झांक रही हो। कॉफी शॉप में तुम्हारी नजरें मुझ पर टिकी हुई हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर भी तुम्हारा पूरा ध्यान मुझ पर ही है। चाहते क्या हो तुम्हें? हाँ बोल दिया तो क्या करोगे? एक सी ग्रेड फिल्म दिखाओगे और अंधेरे का फायदा उठाओगे, या तो किसी गार्डन में ले जाओगे और मुझे बुर्का हटाने को कहोगे। फेस अच्छा हुआ तो ठीक, वरना गुल हो जाओगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें एक बढ़िया प्लान बताऊं? पहले मुझसे शादी कर लो। शादी? हाँ शादी, बाद में लव कर लेना। प्यार करने के लिए तो सारी जिंदगी है। वो बाद में दमे पर शादी?
देखा ना शादी के नाम पे कैसे सीटी गुल हो गई। ये कोई प्यार व्यार नहीं है, अट्रैक्शन है। बाय आयशा। बाबा यहाँ अच्छे से धुआं मारना। पीछे पड़ा रहता था, शादी की बात सुनकर ही गायब हो गया। अब एक्सक्यूज मी, अर्जुन नाम का लड़का यहाँ नागौरी चाय पीने आया करता था, दो दिन से बेचारा दिखाई नहीं दिया। आपने उसे देखा है क्या? हे अर्जुन, तुम, मुझे तो लगा कि तुम शहर छोड़कर भाग गए। शादी की बात सुनकर तो तुम बिल्कुल गायब ही हो गए। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनो, ये प्यार व्यार का चक्कर नहीं चलने वाला। वी कैन जस्ट बी गुड फ्रेंड्स। आयशा, हम शादी करेंगे। ये देखो, तुम्हारे लिए साड़ी और मेरे लिए शेरवानी। शादी लाइफ में सिर्फ एक बार होती है। कपड़े, गहने, रजिस्ट्री, ये सब अरेंज करने में दो दिन लग गए। अब चाहे तुम साड़ी पर बुरखा पहनो या फिर बुरखे पर साड़ी, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो तुम्हारा वेट करूंगा। ये मेरा फोन नंबर है, कोर्ट पहुंचते ही मुझे फोन कर लेना। और हाँ, हमारी शादी कल 12 बजे है। पापा? कमला, ये सब क्या है? ये बुर्का क्यों पहना हुआ है? पापा वो, फिक्र मत कीजिए भाईजान, आपकी बेटी ने मजहब नहीं बदला। नहीं, ऐसी बात नहीं है पापा, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो। प्रॉब्लम क्या हुआ बेटी? अरे यार, फॉरेन लड़कियों में वो किक नहीं जो देसी लड़कियों को देखने में मिलती है, इसने तो तबीयत हरी कर दी। क्या मैडम, तुम तो स्लिम से ड्रम हो गई हो। इडियट्स। ए ए, पानी पिला। तूने पानी पिलाया ना? हाँ पापा। प्यास बुझी, ये और पीना है। जानती है मेरा बाप जाकर कितना बड़ा गुंडा है? ए, तू जानता है कि मैं कहाँ से हूँ? विजयवाड़ा। दादागिरी की कोचिंग हम देते हैं। होगा वो कोई बड़ा गुंडा। चाचा तो उसकी धमकियों से डर गए थे, पर मैं नहीं डरी। विजयवाड़ा में तो रोज ऐसे गुंडों से पाला पड़ता है। अली चाचा ने तो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। कोर्स के लिए पूरे 25,000 भरे हैं, वेस्ट होने देंगे क्या? सवाल ही नहीं उठता। फिर आयशा ने मुझे पहनने के लिए ये बुर्का दे दिया। मैं तो तुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए आया था, तूने मुझे ही शौक दे दिया। ये सुनकर आप शौक हो गए तो अब जो मैं बताऊंगी उसे सुनकर आपका क्या होगा? Mm.
की तो मिल गई, एक महीने से ढूंढ रहा था। चल एसिड निकाल। चल जल्दी चला। वो आगे निकल रही है, राइट से, राइट से। कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं कमला हूँ, सिर्फ आंखें ही नहीं, मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि कमला कैसी दिखती है। तुम्हें अपने पापा से मिलवाना चाहती थी, जिस प्यार पर तुम्हें इतना भरोसा था उस प्यार के साथ मैं उम्र भर जीना चाहती थी, पर एक पल में सब बदल गया। समझ में नहीं आया कि एक आत्मा बनकर मैं अपने अर्जुन तक कैसे पहुंचूं। एक शरीर में घुसने के लिए मुझे पूरे 4 साल लग गए। केरला में जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं खुशी से पागल हो गई। मैं तुम्हें तभी बताना चाहती थी कि मैं ही हूँ तुम्हारी आयशा, तुम्हारा प्यार। लेकिन एक बड़ा सवाल था कि तुम मुझे याद करते भी हो या नहीं। मैं खुद तुमसे जानना चाहती थी, पर हम अचानक अलग हो गए। आज जब तुम कबूतरों को दाना डाल रहे थे तब मैंने महसूस किया कि आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है, और यही वो बात थी जिसके लिए मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन आज मैं जान गई अर्जुन, तुम मेरे नहीं रहे। कमला तुम मुझे गलत समझ रही हो। नहीं अर्जुन, किसी और से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन उस इंसान से प्यार की उम्मीद करना स्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ प्यार नहीं, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ मैं क्यों रहूँ। मैं जा रही हूँ। नहीं कमला, कमला रुको, कमला उठो, कमला, कमला। कमला, मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? मैं कैसे आई यहाँ? देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बताओ मुझे। मैं सब बताता हूँ। राजन, राजन, क्या पार्वती तुम मुझे भूल गई क्या? मुझे छोड़ के इस छोकरे के साथ रह रही है, इतनी जंच गई इसकी मर्दानगी। राजन, मैं जानती तक नहीं ये कौन है। वाह 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 वा। सती सावित्री होने का नाटक कर रही हो, झूठ बोल के इसके साथ मुंह काला किया तुमने। सर ये बिल्कुल सच कह रही है, हम एक दूसरे को नहीं जानते। बोल बोल और सर, प्लीज आप आराम से बैठिए, बैठ कर बातें करते हैं। आराम से बैठने को नहीं आया यहाँ पर। सर मेरी बात सुनिए सर, सच ये है कि जिंदगी लेना बहुत आसान है पर जिंदा रहना बहुत मुश्किल।
नो, गलती से आपको लात मार दी सर। आपको लगी तो नहीं ना? क्या रे, वहाँ वो सती सावित्री बन के खड़ी है और तू भोला बन के मेरी धुलाई कर रहा है? ए, मारो इसको! मेरी जान को मुझसे छीनेगा? अब तो देख, देख कैसे तेरी पोटी पोटी करता हूं। मेरे अर्जुन को अगर छुआ भी तो मार डालूंगी। क्या बोली, क्या बोली? मेरा अर्जुन? अभी तूने कहा था कि तू इसको जानती नहीं। एक मिनट में इतने ट्विस्ट हजम नहीं होते। ए, अब तू देख तेरे सामने कैसे इसे मारता हूं, उसके बाद तुझे काटूंगा। पार्वती तुझे पसंद नहीं करती, भूल जा उसे। अरे पार्वती तो तू खुद ही है, फिर ऐसे क्यों बोल रही है? तू ही पार्वती है। मैं पार्वती नहीं हूँ, भूल जा उसे। अगर फिर जबरदस्ती उसे अपना बनाने की कोशिश की तो अर्जुन? अर्जुन कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या? जल्दी आ जाओ। तुम कौन हो? जल्दी आ जाओ। हेलो, हेलो, एक्सक्यूज मी मिस्टर अर्जुन, रूम नंबर 202। थैंक यू सो मच। सिस्टर, अर्जुन सामने। डोंट वरी, 2 से 3 घंटे में होश आ जाएगा। कमला थी, शरीर उसका था पर आत्मा कमला की थी। कमला ने उसके शरीर को अपना घर बना लिया था। कमला आ गई तुम? तुम्हारा अर्जुन वहां ऊपर है, जाओ। मैं तो उसे छोड़कर चली जाना चाहती थी लेकिन दिल नहीं माना। मैं इस तरह नहीं जी सकती। अर्जुन सिर्फ तुमसे प्यार करता है, जाओ उसके पास। कमला, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को किस करते हुए देखा है। थोड़ी देर और रुक जाती तो तुम देख लेते कि उसके बाद क्या हुआ। नहीं नित्या, प्लीज, I'm sorry. What? नित्या, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, पर केरला में तुमसे मिलकर जो महसूस हुआ, जब तुमने शादी के लिए मुझसे पूछा तब वैसा महसूस नहीं हुआ। मैं खुद इसकी वजह नहीं जानता। मे भी मेरा पहला प्यार आयशा आज भी मेरे दिल में जिंदा है। केरला में मुझे तुम में आयशा का बिहेवियर और कैरेक्टर नजर आया, इसलिए तुमसे दूर नहीं रह पाया, पर अब ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। आई थिंक आई स्टिल लव आयशा। आज भी वो किसी और को नहीं, सिर्फ तुम्हें ही चाहता है। आयशा, he just loves you, not me. अर्जुन मुझसे प्यार करता है, अर्जुन मुझसे प्यार करता है। कैसे कोई किसी को इस हद तक चाह सकता है? बिना चेहरा देखे तुमने मुझे चाहा। तुम जानते भी नहीं थे कि मैं शादी के लिए आऊंगी या नहीं।
मेरे प्यार के लिए तुमने एक सुंदर लड़की के प्यार को ठुकरा दिया। मेरे लिए अर्जुन, कैसे अर्जुन, कैसे? मैं भी न जाने क्या क्या सोचने लगी थी। पावली कहेंगी, पागल हूं मैं। सॉरी अर्जुन। बहन। भैया, अर्जुन अभी भी मुझे ही चाहता है। हाँ बहन, वो आप ही को चाहता है। He loves you। बहन, बहुत देर से तुम यहीं पर हो, अब घर चले जाओ। मैं यहाँ रह लूंगा। पक्का ना? बहुत ज्यादा पक्का। जब तक ये उठे तब तक आप घर से कुछ गर्मा गर्म बना के लाइए ताकि मैं भी खा सकूं। ठीक है, तुम यही रुकोगी ना? हाँ पक्का। मैं आती हूँ। ओके ओके। हे भगवान, अरे अर्जुन, इसका ख्याल रखना। हाँ मम्मी। ऑटो। भैया क्या हो गया था? भैया कमला कहाँ है? मैंने उसे घर भेज दिया, अब वो वापस नहीं आएगी। जानता भी वो कौन है? वो मेरा पहला प्यार, मेरी आयशा है। 4 साल बाद हम मिले, अब नहीं खोऊंगा। मुझे आयशा के पास ले चल प्लीज। ऐसी हालत में बोला ना, लेके चल, लेके चल किशोर। शरीर की अपनी आत्मा होती है, किसी और के शरीर में प्रवेश करके हक जमाना ये तुम्हारी गलती है। क्या गलती है? हाँ क्या गलती है मेरी? प्यार करना गलत है, अपने प्रेमी के साथ रहना मेरी गलती है? क्या है मेरी गलती? तुमने परमेश्वर के नियम को बदलने की कोशिश की, ये है तुम्हारी गलती। तो फिर बुला उस परमेश्वर को, मैं पूछूंगी मुझे इतनी जल्दी क्यों मार दिया। मैं अपने प्यार के साथ जीना चाहती हूँ, तो क्यों वो हमारे बीच आ रहे हैं? बुलाओ उस परमेश्वर को। जल्दी कर रहा, क्या कर रहा है? आप तो एक गुरु हैं, परमेश्वर से कहिए ना कि वो मेरे प्यार को अमर कर दे। तुम जो कर रही हो वो प्रकृति के विरुद्ध है, इससे आत्मा का नाश होना तय है। मैं जबरदस्ती किसी के शरीर में नहीं घुसी। पार्वती आत्महत्या करने जा रही थी इसलिए मैंने उसे बचाया, ये शरीर अब मेरा है। और नित्या ने आत्महत्या का प्रयत्न नहीं किया? जब इंसान अपना आत्मविश्वास खो देता है, जब वो जीने की चाह और आगे बढ़ने का जोश खो देता है, ईश्वर से भी उसका विश्वास उठ जाता है, तो वो कमजोर पड़ जाता है। उसी कमजोरी में अगर मैंने किसी शरीर में घुसकर उसे ताकत दी तो क्या गलत किया? नित्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मैंने उसे हिम्मत दी। किसी की कमजोरी को अपनी ताकत बनाना बहुत बड़ी मूर्खता है, अविवेक है। इसके शरीर से चली जाओ, अर्जुन को भी मुक्त कर दो। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, अर्जुन को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मंत्र से या तंत्र से इन्हें मुक्त करा के रहूंगा। हम भूया पेट्रोल खत्म हो गया भैया। परमेश्वर भी मुझे मेरे अर्जुन से कभी जुदा नहीं कर सकता।
मैं अपने अर्जुन के साथ रहूंगी। प्यार है वो मेरा। वो मुझे क्या नहीं कर सकता। तुम्हारे प्रेम को तुमसे अलग करने नहीं आया था। प्रेम की खोज में अगर वो यहां रहती तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती, और ये सृष्टि के विरुद्ध है। प्रेम में शांति होनी चाहिए, हिंसा नहीं। इसका अर्थ तुम भी अच्छे से समझते हो। अनुकूल समय आने पर इस आत्मा का मिलन परमात्मा से करवा दूंगा, ये मेरा वचन है तुमसे। तुम्हें एक बढ़िया प्लान बताओ, पहले मुझसे शादी कर लो। हाँ शादी, बाद में लव कर लेना। प्यार करने के लिए तो सारी जिंदगी है। शुभम कल्याणम। डांस क्लास जा रही हो? उसी तरफ जा रहा हूँ, आओ छोड़ दो। Are you sure? हाँ sure। जनवरी से तेरे को लाइन मार रहा हूँ। क्रिसमस आ गया लेकिन तेरा दिल मानता ही नहीं। काई को? अगर तू अपन को हाँ बोल डाली ना तो ये 50 तोले का चेन तेरे को देगा। अगर ना बोली तो तेरे पूरे खानदान का सुख चैन ले लेगा। तो जहाँ जहाँ जाएगी अपन का वाईफाई तेरे को उधर फॉलो करेगा। अरे देखती क्या है, ये विलन तेरे को कॉमेडियन लगता है क्या? बोल आई लव यू वरना ये आधी बॉटल पूरी घुसा दूंगा। क्या है बे? पीछे देखो। मम्मी क्यों बे? आई लव यू सुनना चाहता है? तू जानती है अपन विजयवाड़ा का है और विजयवाड़ा में अपन का कितना वर्ड चलता है, तू सुनेगी तो डर जाएगी। मैं भी विजयवाड़ा की हूँ।
विजयवाड़ा में गुंडों से ज्यादा हटेली उधर की पब्लिक होती है। हाँ, फिर से किसी लड़की को छेड़ा या तंग किया ना। चले शोना। शोना क्या कहता है? शोना चले क्या? मुझसे शादी करोगी? भाई पार्वती वापस आ गई है, मार डालो इसे। ये पार्वती नहीं है, जाने दो। अरे भाई पार्वती तो है। अबे भेजे का सर्किट फ्यूज है क्या? बहन जिससे शादी करनी है आप कर लीजिए, चाहो तो यही कर लो, मैं निकल लूंगा। आंध्रा तेलंगाना या महाराष्ट्र नहीं, मैं केरला के महिषासुर मंदिर में जाकर रह लूंगा। ये नारियल बेचने वाला बनेगा, ये फूल बेचेगा और मैं वहां चप्पल स्टैंड पर ड्यूटी करूंगा। अब चले। अरे पागल हो गए। चलता हूँ बहन।